अगर हम बात करें फोल्डर एंड फाइल्स की, तो इसमें फोल्डर क्या होता है? देखिए ये बुनियादी चीज है, फोल्डर इज अ स्पेस ऑन कंप्यूटर हार्ड डिस्क, बल्कि ऑन नहीं कहेंगे, इन कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, थोड़ा आसान कर लेते हैं, हार्ड डिस्क लिख लेता हूँ, और विच इज यूज टू स्टोर अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स, ठीक है. तो हाँ, और आगे लिख लेते हैं, टू कैटेगराइज डेटा, टू कैटेगराइज देम, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं. तो यहाँ पर समझ लेंगे फोल्डर स्पेस क्या होता है. फोल्डर क्रिएट करते हैं, वो एक जगह बन जाती है हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर, और उसमें उसका काम है दूसरे फोल्डर को स्टोर करना, और इसके अलावा फाइल्स को अपने अंदर स्टोर करना, ताकि हम उनको कैटेगराइज कर सकें. कैटेगराइज कैसे, देखिए मैं अभी समझाता हूँ आपको. मैं यहाँ से गया डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में मैंने कुछ फोल्डर बनाए हुए हैं. या आप फोल्डर की पहचान होगी, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं येलो कलर का आइकन जो होता है ना, वो फोल्डर होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. फोल्डर के मुख्तलिफ आइकन हम चेंज भी कर सकते हैं. देखिए इसका आइकन थोड़ा डिफरेंट हुआ है, इसका आइकन, ये भी फोल्डर है डाउनलोड्स. तो फोल्डर एक कॉन्सेप्ट का नाम है, जिसका मतलब है जो फोल्डर है उस चीज को कहेंगे जो अपने अंदर फाइल्स और अदर फोल्डर को स्टोर करने की सलाहियत रखता हो. तो देखिए ये भी एक फोल्डर है, ये भी एक फोल्डर है, ये भी एक फोल्डर है, मैंने अलग अलग बनाया हुआ. देखिए वर्ड फाइल्स, तो इसमें मैंने अपनी वर्ड की फाइल्स के अलग फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे सेव किए हैं. फिर मैंने इसके अंदर अलग से बनाया हुआ एक पावर पॉइंट फाइल्स, तो इस पर देखिए मैंने पावर पॉइंट की फाइल्स को यहाँ पे सेव किया हुआ. फिर मैंने यहाँ पे एक और फोल्डर बनाया हुआ, जिसमें मैंने यहाँ से बूटस्ट्रैप वेब के नाम से इसके अंदर बूटस्ट्रैप की फाइल्स और फोल्डर्स को सेव किया हुआ. तो इसलिए हम फोल्डर बनाते हैं कि डेटा को अरेंज कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, कैटेगराइज कर सकें. बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? ओके, तो चलते हैं फोल्डर वोल्डर कैसे बनाएंगे, कैसे चीजों को कर रहे होते हैं. तो फोल्डर देखते हैं, हाउ टू क्रिएट फोल्डर. तो हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, अब इसके डिफरेंट वेज हैं. तो एक तरीका तो ये कि भाई जहां पर भी आपको फोल्डर बनाना है, तो वहां पर जाके अपने राइट बटन दबाना है, और कहां जाना है, न्यू पे, और कहां क्लिक कर देना है, फोल्डर पर, सही है. तो ये फोल्डर बन जाएगा, आसान था ना. और इसका कोई भी नाम रख देते हैं, कासिम नाम रख देते हैं इसका, ये फोल्डर बन. तो फोल्डर फोल्डर के अंदर बन सकता है. तो एक तरीका है कि इसको खोलें, इसको खोलने के लिए लेफ्ट वाला बटन दो दफा दबाएंगे, एक फोल्डर खुल जाएगा. इस पर राइट बटन दबाएं, न्यू करें, फोल्डर बना दें, और इसका नाम हमने रख दिया मुजफ्फर. तो ये कासिम के फोल्डर के अंदर मुजफ्फर का फोल्डर बन गया, ठीक है. इसी तरीके से इसको बंद कर देंगे, यहां से चले जाएं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहां पे एक और फोल्डर बना लेते हैं. अब यहां पे राइट बटन दबाएंगे ब्लैंक एरिया पे, और यहां से न्यू में जाएंगे, और यहां से फोल्डर बना लें. अगर आप ये करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक दूसरा तरीका भी फोल्डर बनाने का, होम टैब में जाइए, ये पूरा होम टैब कहलाता है, होम टैब, और इसमें आने के बाद यहां से न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए. तो यहां से एक फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम हम पाकिस्तान रख देते हैं. ये एक फोल्डर बन गया पाकिस्तान के नाम से, देखिए क्रिएट हो गया. इसका मतलब मैं यहां से डॉक्यूमेंट में भी फोल्डर बना सकता हूं, मैं यहां से म्यूजिक डाउनलोड्स में भी, म्यूजिक में भी, पिक्चर्स में भी, वीडियोस में भी, जहां चाहूं फोल्डर बना सकता हूं, क्योंकि फोल्डर के अंदर फोल्डर बन सकता है. अब आते हैं फोल्डर का आइकन कैसे चेंज करना है. भाई इसका तो डेफिनेट जो बाय डिफॉल्ट आइकन है वो येलो कलर है. तो चेंज करने के लिए इस पर राइट बटन दबाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे. कैसे जाएंगे, राइट इस पर बटन दबाएंगे, माउस के दो बटन है, देखेंगे एक राइट और एक लेफ्ट, ये तो सबको पता है मेरा ख्याल है. तो जैसे इस पर राइट बटन दबा के प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसका पहला टाइप है जनरल, दूसरा टाइप है शेयरिंग, तीसरा सिक्योरिटी, प्रीवियस वर्जन, और लास्ट है कस्टमाइज. इस पर चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से कोई भी एक आइकन चूज कर लें, ये ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं. तो ये देखें इसका आइकन अभी थोड़ी देर में रिफ्रेश करने पे चेंज हो जाएगा. ये देखिए फोल्डर का आइकन चेंज हो गया. और दोबारा से वही आइकन चाहिए तो राइट बटन दबाएं, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज में जाएं, कस्टमाइज पे क्लिक करें, चेंज आइकन पे क्लिक करें, रिस्टोर डिफॉल्ट करें, ओके करें, तो ये दोबारा से चेंज हो जाएगा और वो पुराना वाला आइकन आ जाएगा. अब फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बनाना सीख लिया, फोल्डर भी बनाना सीख लिया दोनों मेथड से. अब फोल्डर को मूव कैसे करेंगे, मतलब मैं चाह रहा हूँ इस फोल्डर को डॉक्यूमेंट्स में मौजूद जो पाकिस्तान का फोल्डर है उसमें रख दूँ. तो वो वाला फोल्डर कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पे जाएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान ये रहा, तो उसको खोल के रख लेते हैं यहाँ पे. कैसे करेंगे, इसको बंद करें, राइट बटन दबाएं, और उसको क्या करेंगे, कट, कट, जैसे कट करेंगे और इसके अंदर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ से हम पाकिस्तान के फोल्डर में जाएंगे, और इसको राइट बटन दबा के क्या करेंगे, इसके अंदर पेस्ट. तो ये देखें वहाँ से फोल्डर कट हो जाएगा, ये देखिए कट हो गया, और उसके अंदर जाके ये पेस्ट हो चुका है. इसका मतलब ये एक बेहतरीन तरीका है फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का. इसी प्रोसेस को रिवर्स करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से राइट बटन दबाएंगे और क्या करेंगे, और उसको डेस्कटॉप पे जाके राइट बटन दबा के क्या करेंगे, तो देखें वहां से कट हो गया, यहाँ पेस्ट हो जाएगा. यही चीज आप अपने कंप्यूटर से डेटा कॉपी कट करके यूएसबी में, मोबाइल में पेस्ट करेंगे तो यहाँ से डिलीट होगा, वहां पेस्ट हो जाएगा, वहां से कट करके यहाँ पेस्ट करेंगे, वहां से डिलीट होगा, यहाँ पेस्ट हो जाएगा. ये बात समझ में आ गई. अब आते हैं कॉपी करने पे. कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट, क्लोन, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी रहे और उसकी एक दूसरी कॉपी कहीं और रख दूँ. तो इसी फोल्डर पे राइट बटन दबाएंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है, और उसको जहाँ रखना है उस फोल्डर में जाएंगे, उस लोकेशन पे जाएंगे, और उसमें जाने के बाद यहाँ से राइट बटन दबा के उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. तो देखिए अब वहाँ पर एक कासिम का फोल्डर अलग से मौजूद है,
ये देखिए, और ये अलग हो गया, मतलब दो अलग अलग कॉपी हो गई। मतलब आपके पास एक डॉक्यूमेंट था उसकी फोटो कॉपी कर ली आपने, दो हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। ठीक है, अब इस पर अलग लिख ले, उस पर अलग लिख ले, या जो भी करेंगे वो अलग अलग ही कंसिडर किया जाएगा। बात समझ में आ गया? मतलब एक यूएसबी के अंदर मूवी थी, मैंने अपने कंप्यूटर पे लगाया, उसको कॉपी किया मूवी को, और अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव डी ड्राइव में जाके पेस्ट कर दिया, तो मूवी यूएसबी में रहेगी लेकिन उसकी कॉपी क्लोन मेरे पास आ जाएगा। सेम प्रोसेस को उल्टा कर दें, अपने कंप्यूटर से यूएसबी में डेटा डालना है तो अपने कंप्यूटर से कॉपी किया और यूएसबी में जाके पेस्ट कर देंगे, तो हमारे कंप्यूटर में भी रहेगा और उसमें भी सब रहेगा। तो ये कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट किसी भी फाइल फोल्डर पे आप इसी तरीके से इजीली कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? ठीक है, अब चलते हैं आगे। भाई ये फोल्डर एंड फाइल तो बन गया, अब इसका नाम चेंज करना है। इसका नाम राइट बटन दबाया और रीनेम करके हमने इसका नाम रख दिया मुजम्मिल। तो ये देखिए फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, और इस तरह विंडोज में किसी भी फोल्डर फाइल का नाम आप इजीली चेंज कर सकते हैं। मेरा नाम इसका रख दिया मुजम्मिल, मुजम्मिल से राइट बटन दबाया, मैंने इसको दोबारा से रीनेम किया और रीनेम रख के इसका नाम मैंने रख दिया सपोज टू बी QoS। ठीक है, तो QoS ही इसका नाम कंसिडर हो गया। अब आते हैं कि अगर फोल्डर डिलीट करना हो, हमारा फाइल फोल्डर कोई भी डिलीट करना हो, जैसे मोबाइल में डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश में चला जाता है, तो राइट बटन दबाएंगे, इसके अंदर डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन विंडोज का खुद का एक फोल्डर है जो यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, इसको खोलेंगे तो ये देखें इसके अंदर यहाँ पे डिलीट होके यहाँ आ जाएगा, और जब ये यहाँ आ जाएगा तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इसको मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दें या फिर इसको वापस अपनी जगह पे भेज दें। वापस अपनी जगह पे भेजेंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्टोर। रिस्टोर कैसे करेंगे? राइट बटन दबाएंगे, इसको रिस्टोर कर देंगे तो ये देखें अपनी जगह पे वापस चला जाएगा, और इसको दोबारा से राइट बटन दबा के डिलीट करेंगे तो ये देखें दोबारा रिसाइकल बिन के अंदर चला जाएगा। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गई अच्छे तरीके से? अब मुकम्मल तौर पर डिलीट करना है तो राइट बटन दबा के डिलीट कर देंगे और यस कर देंगे, तो अब ये वापस नहीं आएगा क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब इसका एक तरीका ये भी है कि मिसाल के तौर पर किसी फोल्डर को डायरेक्टली आपने डिलीट करना है विदाउट विदाउट पुट इन रिसाइकल बिन, तो उसको तरीका ये है कि कीबोर्ड पर शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन दबाएंगे, कीबोर्ड पर शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन दबाएंगे, और आपसे जब डिलीट करने का पूछे यस करेंगे और फिर यस करेंगे, तो वो जो फोल्डर है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा बल्कि वो रिसाइकल बिन से बाईपास करेगा और वो मुकम्मल तौर पे उसको डिलीट कर देगा। सही है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? तो ये फोल्डर को डिलीट कर दिया हमने, आइकन भी चेंज कर दिया। अब आते हैं शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट कहते हैं किसी भी जगह पर पहुंचने का एक मुख्तसर रास्ता। ठीक है, यहाँ पे क्या मसला है? यहाँ पे यह मसला है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एक फोल्डर है मेरा जो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद उसको मैं ढूंढता हूँ पहले कहाँ पर, एक्सेल फाइल्स में। एक्सेल फाइल में जाने के बाद फिर मैं ढूंढता हूँ एक फोल्डर जिसका नाम है सनशाइन, और ये रहा सनशाइन का फोल्डर, और फिर मैं उसके अंदर पहुंचता हूँ। कैसे जा रहा हूँ? पहले क्लिक कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में, जा रहा हूँ फिर फोल्डर को ढूंढ रहा हूँ एक्सेल फाइल्स, एक्सेल फाइल में जा रहा हूँ फिर ढूंढ रहा हूँ सनशाइन, यहाँ पहुंचता हूँ। सही, इसमें दो फाइल्स है मेरी। इस तक पहुंचने का एक शॉर्टकट क्या हो सकता है? तो अभी बताते हैं। मैं आया बैक, अब बैक कैसे करते हैं? ये देखिए, पीछे आने के लिए बैक, आगे जाने के लिए फॉरवर्ड। ठीक है, इस फोल्डर पे मैंने राइट बटन दबाया और क्या किया? सेंड टू। सेंड टू करके किया मैंने डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। जैसे ही मैंने डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट किया तो आप देखेंगे इस फोल्डर का डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बनेगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा? यार देखिए, जिस भी फोल्डर या फाइल का या सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट होगा ना, उस पर ये एरो बना हुआ होगा। ये एरो देख रहे हैं आप, ये एरो, ये शॉर्टकट है, ये ओरिजिनल फाइल है, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट के ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंचने का एक तरीका ये है कि आप इस फोल्डर पे राइट बटन दबाएं, ओपन कर दें, तो ये देखें आपको डायरेक्ट उस फोल्डर में है, बता भी रहा है दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स एक्सेल फाइल्स एंड शनशाइन। आया समझ में? बात नहीं आई? ठीक है, तो इस तरह आप शॉर्टकट तक पहुंच जाते हैं। अब उसके शॉर्टकट पे जब आप पहुंच जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि जो शॉर्टकट पे आप पहुंचे तो यहां पर आपका जो मामला है वो ये कि इस शॉर्टकट पे हम यहां पे डबल क्लिक करके जा सकते हैं, और अगर कोई इस शॉर्टकट को डिलीट कर दे, फॉर एग्जांपल राइट बटन दबाएंगे, इसको डिलीट करेंगे यहां से और डिलीट कर देंगे, तो वो शॉर्टकट मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाएगा। उसके उस पर जो है ना, जो ओरिजिनल फोल्डर या फाइल होगा उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से जाके देखते हैं डॉक्यूमेंट्स में, और यहां पे जाके देखते हैं सनशाइन के नाम से फोल्डर जो था एक्सेल फाइल के अंदर क्या वो मौजूद है। तो आप देखेंगे यहां पे वो फोल्डर अपनी जगह मौजूद है, काम कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी फोल्डर या फाइल का शॉर्टकट बनाना है डेस्कटॉप पर, यानी कि डेस्कटॉप पर, तो उस पर राइट बटन दबाएंगे, सेंड टू करेंगे, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। राइट बटन दबाएंगे, सेंड टू करेंगे, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। ये एक तरीका है शॉर्टकट बनाने का। शॉर्टकट समझ में आ गया, बनाना भी आ गया। अब दूसरा मेथड शॉर्टकट बनाने का, यहां पे शॉर्टकट बनाना है तो राइट बटन दबाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहां से क्लिक करेंगे शॉर्टकट पर। देखिए फोल्डर के नीचे आ रहा है शॉर्टकट, तो क्लिक करेंगे शॉर्टकट के ऊपर और यहां से करेंगे ब्राउज।
अब आपने बताना है कि वो फोल्डर किसका है जिसका आप शॉर्टकट बनाना चाह रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कैसे कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस में आता है, लाइब्रेरीज के अंदर आता है। लाइब्रेरीज में क्या आता है, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा फोल्डर कौन सा था, एक्सेल फाइल्स के नाम से। तो मैं आया नीचे 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 ऊपर ऊपर एक्सेल फाइल्स, और उसके अंदर गया मेरा कौन सा फोल्डर था, सनशाइन। तो यहाँ पे सनशाइन पर आया और क्लिक करके मैंने ओके किया एंड देन नेक्स्ट एंड देन फ्रेश कर दिया। तो ये देखें ऐसे भी शॉर्टकट बन गया। अब आप कहेंगे सर जब वो वैसे बन रहा था तो ऐसे बनाने की क्या जरूरत है। हाँ, दोनों की एक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। जब भी डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना है किसी का, तो जो मैंने पहला वाला मेथड बनाया ना, राइट बटन दबा के सेंड टू डेस्कटॉप क्रिकेट, वो सही है। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट बनाना था मिसाल के तौर पे इस फोल्डर के अंदर जो VS के नाम से बना हुआ है, इसके अंदर शॉर्टकट बनाना था, तो एक तरीका तो ये शॉर्टकट बना ले उस तरीके से, उठा के फिर ऐसे रख दें इसके अंदर। इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, पकड़ा फिर बाहर छोड़ दिया, फिर पकड़ा फिर। इस तरह किसी भी फाइल एंड फोल्डर को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ये कट पेस्ट हो रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप में कट एंड पेस्ट हो रहा है। ड्रैग कैसे कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको पकड़ा फिर ड्रैग किया और इधर छोड़ दिया, तो ये कट पेस्ट हो गया। फिर यहाँ से पकड़ा, इस पर छोड़ दिया, ये कट एंड पेस्ट हो गया। ये किसी भी फाइल एंड फोल्डर और शॉर्टकट के साथ कर सकते हैं, ये एक आसान तरीका है। लेकिन इसमें दो तरीके हैं, दो तरीके क्या, पहले आप सेंड टू डेस्कटॉप करके एक शॉर्टकट बनाएंगे फिर उसको उठा के किसी का। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि नहीं मैं डायरेक्टली शॉर्टकट बना दूं, तो फिर राइट बटन दबाएंगे, न्यू करेंगे, शॉर्टकट करेंगे यहाँ पर। क्योंकि इस फोल्डर में जब आप शॉर्टकट बनाएंगे ना, तो वो सेंड टू डेस्कटॉप वाले से नहीं बनेगा, उसके लिए ये वाला मेथड अप्लाई होगा। तो यहाँ से फिर ब्राउज करेंगे, फिर आपको पता होना चाहिए जेन्युइनली कि वो फोल्डर कहाँ है या फाइल कहाँ है जिसका मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ। उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से जो फोल्डर है हमारा जैसे IT क्लास के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। तो ये देखें शॉर्टकट यहाँ बन जाएगा और फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे देख सकूंगा। और उस फोल्डर में जाने के लिए मैं डबल क्लिक करूंगा, डायरेक्टली देखें उस फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा, सही है। तो ये दोनों मेथड है शॉर्टकट बनाने के लिए। शॉर्टकट बनाने से अच्छी बात ये होती है कि आप फोल्डर को जल्दी एक्सेस कर लेते हैं, फाइल को जल्दी एक्सेस कर लेते हैं। दूसरी बात, बिलफर्ज अगर कोई भी आप उसको डिलीट भी कर दें गलती से या दानिश्ता तौर पर, तो डिलीट करने पे उसका ओरिजिनल फोल्डर या फाइल डिलीट नहीं होगा, वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, सही है, समझ में आ गई बात ये। तो आज हमने सीखा कि विंडोज का इंट्रोडक्शन, और साथ साथ हमने देखा फोल्डर्स क्या होता है, उसको किस तरह से कट कॉपी पेस्ट ओपन डिलीट और कर रहे होते हैं, उसके अंदर फोल्डर कैसे बन रहे होते हैं। बस अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को क्लास को भी लेके चलेंगे और आगे हमारी जो वो